अमिताभ बच्चन को तो आप सभी लोग जानते हो। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन आज कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं। पूरा देश आज उनके ठीक होने के लिए दुआएं कर रहा है। हम सब लोग सफल व्यक्ति के रूप में उन्हें देखते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ उनकी इस सफलता के पीछे कितना संघर्ष छिपा है। वे बताते हैं कि बचपन में उनके पिता ने उनसे एक बात बोली थी कि बेटा, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। अमिताभ बच्चन को 4 बार नेशनल अवार्ड मिला व भारत सरकार की ओर से पद्मश्री व पद्म भूषण से भी उन्हें सम्मानित किया गया। अमिताभ बच्चन की करियर की शुरुआत एक वॉइस ओवर स्टूडियो से हुई और वहीं से इन्हें पहली कमाई मिली। वे एक ऑल ओवर इंडिया रेडियो में एक उद्घोषित बनना चाहते थे, मगर उन्हें हमेशा उनकी आवाज़ के लिए बाहर कर दिया जाता था। अमीन सयानी द्वारा उन्हें हमेशा बाहर कर दिया जाता था, लेकिन फिल्म आनंद में जब अमिताभ बच्चन को अमीन सयानी ने देखा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि दुबला पतला सा दिखने वाला आदमी जो मेरे पास ऑडिशन के लिए आया था वह फिल्म में ऐसा दिखता है। स्टार्टअप में अमिताभ बच्चन की फिल्में अच्छी नहीं गई, तो वो होता है ना कि जब हमें किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती तो हमारा मनोबल टूट जाता है। ठीक इसी प्रकार अमिताभ बच्चन भी निराश हुए। उन्हें लगा कि बॉलीवुड में कोई चांस नहीं है उनके लिए, अब उन्हें बॉलीवुड छोड़ देना चाहिए। तभी इसके बाद उन्हें एक और फिल्म में रोल मिला। फिल्म का नाम था साथ हिंदुस्तानी। ये फिल्म अच्छी तो नहीं गई, पर उन्हें इस फिल्म द्वारा अनेक अच्छे प्रदर्शन के लिए अवार्ड जरूर मिला। उनके काम के लिए बहुत से लोगों ने उनकी तारीफ भी की। अब उन्हें लगा कि उनकी तकदीर बदल गई है, अब उन्हें सफलता मिल जाएगी, मगर हुआ इसका उल्टा। 2 साल तक उन्हें मायूस होना पड़ा, उन्हें कोई भी काम नहीं मिला, मगर 2 साल बाद उन्हें 2 फिल्में आनंद और जंजीर मिली। आनंद और जंजीर, और इन्हीं 2 फिल्मों से उन्हें लाइफ पूरी तरह बदल गई थी और यहीं से वे सफलता की सीढ़ी चलते चले गए। लेकिन वो कहते हैं ना कि दुर्घटना होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। फिल्म कुली की शूटिंग में एक रोल के दौरान उनके पेट में काफ़ी गंभीर चोट लग गई, उनका लीवर काफ़ी डैमेज हो गया, लेकिन संघर्ष भरी जीवन में वो हार मानने वालों में से कहाँ थे। भगवान की दुआ से वो बच गए और फिर अपने काम में जुट गए। लेकिन फिर 2000 में उनके सामने आर्थिक संकट आ गया था। एक और दुनिया न्यू सेंचुरी सेलिब्रेट कर रही थी, तो दूसरी ओर अमिताभ बच्चन के पास पैसे की कमी पड़ गई थी, क्योंकि उस समय उन पर कई लीगल केसेस थे और टैक्स अथॉरिटी के नोटिस भी आने लग गए थे। दोस्तों, जब आदमी के पास मुसीबतें आती हैं तब वह ज़िंदगी से मायूस होकर एक जगह पर बैठ जाता है और आगे बढ़ने की सोचता भी नहीं। लेकिन अमिताभ बच्चन तो संघर्षों का डटकर सामना करने वाले व्यक्ति थे। फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक नए सिरे से करने की सोची और उन्हें काम मिला कौन बनेगा करोड़पति में। लेकिन अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन को थोड़ा सा अजीब लगा कि बॉलीवुड के स्टार का एक टीवी में जाना सही है या नहीं। तो सुनिए अमिताभ बच्चन ने क्या गजब की बात कही कि जिसके पास कुछ नहीं होता उसे कुछ भी चुनने का अधिकार नहीं होता, इसलिए जो मिले उसे ले लो। पत्नी की और दोस्तों की बातों को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति का एंकर बनने का फैसला लिया। तत्पश्चात उन्होंने खुद पर चढ़ा 90 करोड़ का कर्ज भी चुका दिया था। दोस्तों, ये थी उनकी संघर्ष की कहानी। हमें उनकी एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। वे कहते हैं कि आपका दुर्भाग्य या तो आपको पूरा ख़त्म कर देगा या तो फिर आपको ऐसा इंसान बना देगा जो कि आप वास्तव में हैं। वे कहते हैं कि हमारे पास्ट में जो हो गया सो हो गया, हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। आज भी अमिताभ बच्चन जिसमें भी काम करते हैं वहाँ भी एक मुख्य किरदार के रूप में नज़र आते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी संघर्ष से भरी है। जिसने इस चुनौतियों का सामना कर लिया उसकी ज़िंदगी संघर्ष से आसान होकर सफल बन जाती है।